नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और विधायक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने उन्हें 11,50,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा है। उस जानकारी के मुताबिक उदय प्रताप सिंह यहां चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में घोड़ों का सौदा करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश के लिए संघर्ष जारी है। विवादों के बीच सबरीमाला मंदिर मामले पर सीपीआईएम के सदस्य एस रामचंद्रन पिल्लई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस तालिबान और खालिस्तान आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मिर्च फेंकने का आरोपी अनिल कुमार शर्मा पुलिस के सामने बार बार बयान बदल रहा है। बताया जा रहा है कि शर्मा की मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही है, ऐसे में दिल्ली पुलिस उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए मची होड़ के बीच कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने एक नया नाम उछाल दिया। अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा कि केकड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अजमेर से सांसद रघु शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वह राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं और ऐसा भी होता है कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनता है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 62 वर्ष की उम्र में घातक बीमारी का दंश झेल रहे सीएम के लिए एक के बाद एक बुरी खबर उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है। सेहत से लाचार सीएम को हटाने को लेकर लंबे समय से विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। अब इस कड़ी में सैकड़ों लोग उतर आए हैं। गोवा में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनजीओ ने मार्च निकाला है। कांग्रेस की केरल इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष और वायनाड के सांसद एम आई शनवास का मंगलवार देर रात चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे, वह 67 वर्ष के थे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का विदेश मंत्रालय लगातार एक्टिव है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को जानकारी दी कि उनकी सरकार ने 2 दिन पहले ही इस मामले में राजनयिक एक्सेस की मांग की है। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव पर अगले साल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई होगी। किसान और आदिवासी लोक संघर्ष समिति की बैनर तले करीब 20,000 किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे पहुंच गए हैं। किसानों का मार्च मुलुंड से निकलकर आजाद मैदान तक जाएगा। यहां पर 2 दिन की रैली का समापन 22 नवंबर को होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर ने बड़ी संख्या में एकत्र इस्लामी विद्वानों को निशाना बनाया, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिद मजरू ने बताया कि हमले में लगभग 83 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कामकाज के लिए निजी ईमेल के इस्तेमाल से जुड़े मामले की जांच करेगी। इवांका ट्रंप, उनके पति जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के अन्य अधिकारियों के इस मामले में शामिल होने की बात सामने आने के बाद पिछले साल कांग्रेस की निगरानी और सरकारी सुधार समिति ने जांच शुरू की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे दादा, ओ कहाँ जाना है? हाँ इधर इधर। हाँ आओ आओ, कहाँ जाना है आपको? दादा कहाँ जाना है? बेटा मुझे मध्य प्रदेश जाना है। अरे दादा, मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में ही तो हो। बेटा मुझे ये विज्ञापन वाले मध्य प्रदेश में जाना है, जहाँ सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी हैं, जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जहाँ किसानों की आय दोगुनी हो गई है, जहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। अरे दादा, पिछले 15 सालों से भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे विज्ञापनों तक सिमट के रह गए हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं तो फिर चलो इस बार विज्ञापन वाली भाजपा सरकार को ही बदल देते। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।